तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ ट्रिक्स पर। दोस्तों, कल के सेशन में हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था और उम्मीद करता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक चीज़ है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे की जो चीज़ें हैं वो सिखाएंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले कल जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कराया उसकी एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, किसका था दोस्तों, ये अमाउंट निकालने का। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यहाँ पर टी हमारा टाइम था, पी हमारा प्रिंसिपल और आर था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। कब? जब टाइम कितना हो हमारा, एक साल। जब टाइम आपको वन ईयर गिवन हो तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। और एक चीज आपको बताई थी कि जो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो इस फॉर्मूले से आपका क्या निकल आता है, जब टाइम आपका दो साल हो तब आपका दोस्तों निकलता है 100 प्लस आर अपॉन में 100 का स्क्वायर आपका ये आ गया था, जिसके ऊपर हमने आपको दो तीन एग्जांपल भी कराए थे। तो ये सब चीजें दोस्तों मैंने कल आपको बेसिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो समझा दिया था। और एक आपको कराया था हमने, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनका डिफरेंस निकालना हो और टाइम दो साल हो तो उसका आपको फॉर्मूला बताया था, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। यह था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो कल दो साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैंने आपको बता दिया था। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यदि तीन साल, चार साल या उससे अधिक साल आपको गिवन हो तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। इसका हम आपको एक और मेथड बता देते हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं वो होता है आपका ट्री मेथड। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये है आपका ट्री मेथड। अब ट्री मेथड क्या है दोस्तों? मान लो हमारा प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना, 10,000। रेट आपको गिवन है 10% और टाइम कितना गिवन है, पहले हम दो साल लेट कर लेते हैं, इस मेथड को आपको समझा देते हैं। अब दोस्तों आपका ट्री मेथड क्या कहता है कि जो ये प्रिंसिपल है इस पर सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो कितना होगा, 10,000 का 10%। 10% कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 1,000। ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, सेम 1,000 तो लगेगा ही आपका। और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और चीज क्या होती है कि दूसरे साल में एक आपका प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, कितना दोस्तों, 10%। ये कितना हो जाता है आपका, 10% हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका दोस्तों फर्स्ट ईयर का क्या हो गया, इंटरेस्ट, और ये हो गया सेकंड ईयर का। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा, 1,000 प्लस में 1,100। तो टोटल दोस्तों आपका आ गया दो साल का 2,100। तो ये है दोस्तों आपका ट्री मेथड। सबसे पहले आपको दोनों साल का जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लग रहा है वो निकालना है, फिर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 100। ये आपका आ गया, ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो दोस्तों यहाँ 2 की जगह क्या गिवन हो हमारा, 3 ईयर। तब हम कैसे निकालेंगे, तो 3 ईयर के केस में दोस्तों वही आपका जो 10,000 प्रिंसिपल है, सबसे पहले जो मेन चीज आपको करनी है, 3 साल में इस 10,000 पे कितना ब्याज लगेगा, तो कितना आएगा दोस्तों, 10%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सबसे पहले आपको इस 10,000 पर इंटरेस्ट निकालना है, 3 साल में कितना लगेगा।
अब इस 1000 पे कितना आपका इंटरेस्ट लगेगा? 10%, और वह 10% आपका क्या आ जाएगा? 100, वो आपको सेकंड ईयर में भी मिलेगा और थर्ड में। अब जो ये आपका सेकंड ईयर में आपको 100 इंटरेस्ट मिला और ये 1000 मिला, अब इस 1000 पे आपको थर्ड ईयर में मिलेगा कितना? 100, और इस 100 पे कितना मिलेगा दोस्तों? 10%, कितना हो जाएगा? 10। तो अब टोटल आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 1000, 1100, और यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1210 आपका थर्ड ईयर का आ गया। तो टोटल आ गया दोस्तों आपका 3310। तो टोटल दोस्तों 3 साल का आपका इंटरेस्ट आ गया 3310। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्री मेथड अच्छे समझ में आया होगा। आइए एक दो आपको और एग्जांपल करा देते हैं जिससे मेथड आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब आइए दोस्तों एग्जांपल एक दो और देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको प्रिंसिपल कितना गिवन है? 50,000। रेट आपको कितना गिवन है? 20%। अब 3 साल का आपने CI बताना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का दोस्तों आपको क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका आंसर कैसे करेंगे? सेम हमें ट्री मेथड अप्लाई करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले 3 साल का इस 50,000 पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ भी 20% और ये भी 20%। तो 50,000 का आपका 20% कितना आ जाएगा? 1 यहाँ आपका कट गया, तो ये आ गया दोस्तों आपका 10,000। तो 10,000 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, ऐसे ही सेकंड ईयर में, और ऐसे ही थर्ड ईयर में। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों? जो फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 इंटरेस्ट मिला, उस 10,000 पे आपको सेकंड ईयर में भी मिलेगा और थर्ड ईयर में भी मिलेगा। तो इस 10,000 पे आपको कितना मिलेगा? 20%, जो हमारा क्या हो जाएगा? 2000। यहाँ भी आ गया आपका 2000। फिर जो आपको यहाँ सेकंड ईयर में 10,000 मिला, उसका थर्ड ईयर में मिलेगा आपको 2000, और जो सेकंड ईयर में 2000 मिला, इसका 20% कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? ये आ गया दोस्तों आपका 400। अब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 10,000 आपका फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 12,000 यानी 12,000 रुपये, और थर्ड ईयर का टोटल आपका कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है दोस्तों 14,400 रुपये। तो इन सब का अब आप टोटल कर देंगे, जो आ जाएगा आपका 36,400 रुपये, यानी 36,400 आपका टोटल 3 साल का क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको ये मेथड ट्री मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, एक और मेथड देख लेते हैं। दोस्तों आप किसी भी मेथड से आंसर निकालें, आंसर आपका सेम आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड आसान लगता है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड। कौन सा है दोस्तों हमारा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड। अब इस मेथड को आप ध्यान से समझना। अब इस मेथड में क्या है? सेम हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा 10,000, रेट है दोस्तों 10%, टाइम पहले हम 2 साल ले लेते हैं, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। अब इस मेथड में दोस्तों क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस 10,000 का इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल। कितना आ जाएगा? 1000। फिर क्या करना है? यदि 2 साल है तो इस 1000 का
फिर 10% निकाल दो, कितना आ गया दोस्तों 100। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो आपको प्रिंसिपल दिया था उसका यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला कितना आ गया 1000, फिर जो ये इंटरेस्ट आपका निकल के आया इस इंटरेस्ट का 10% फिर निकाल दिया 100। अब यदि आपको यहाँ पर 2 साल गिवन हो तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड क्या कहता है कि 2 साल गिवन है तो जो फर्स्ट वाला आपका इंटरेस्ट आया इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और इस सेकेंड वाले को किससे कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। क्या करना है हमें, यदि 2 साल गिवन है तब क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, पिछले मेथड में भी आपका यही आंसर आया था 2100 और अब भी कितना आ रहा है 2100। तो इस हो सकता है आपको ये मेथड आसान लग रहा हो तो इस मेथड से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ये थोड़ा छोटा मेथड है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 साल, 3 साल का भी दोस्तों सेम कंसेप्ट है देखना। तो 3 साल में क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा, 10,000 का सबसे पहले 10% जो आ गया आपका 1000। अब 3 साल है तो आपको 3 बार इंटरेस्ट निकालना है, ये आ गया दोस्तों 100, फिर इस 100 का 10% जो आ गया आपका 10। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब 3 साल है तो दोनों दोस्तों क्या आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा, यहां पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी 3 से और लास्ट वाला किससे करना है पहले की तरह 1 से, तो यहां आ गया दोस्तों हमारा 3000, यहां पर भी आ गया कितना 3000, यहां आ गया सॉरी 300 और यहां आ गया आपका 30। तो इन सब का आप टोटल कर सकते हैं, आपका दोस्तों टोटल आ जाएगा 3330, ये आएगा दोस्तों आपका 10, तो टोटल दोस्तों आ जाएगा 3310। तो ये आपका दोस्तों मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड जो एक शॉर्टकट मेथड है। सिर्फ आपको एक चीज दोस्तों ध्यान रखनी है, क्या चीज है कि यदि 2 साल हो, टाइम कितना है 2 साल और है 3 साल या फिर 4 साल, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 2 साल के केस में तो 2 और 1 हो जाता है आपका, 3 साल के केस में 3, 3, 1। अब 4 साल आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, 4, 6, 4 और 1। वैसे ज्यादातर आपको एग्जाम में 2 या 3 साल तक ही देखने को मिलता है, फिर भी अगर 1% के 4 साल आ जाए तब आप ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, 4 बार इंटरेस्ट निकाल के उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, 6 से, 4 से, फिर आपकी 1 से। उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये थे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के आपके मेथड, 2 मेथड मैंने आपको कल कराए और ये 2 मेथड आपको, एक ट्री मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड, ये मैंने आपको आज करा दिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब तक दोस्तों जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, आपको सिंपल परसेंटेज मिल रही थी या फिर 10%, 20%। अब कई बार दोस्तों आपको कुछ अलग परसेंटेज देखने को मिल जाती है तो वो मैं आपको बता देता हूं, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या गिवन है दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा देता हूं। अगर 50% गिवन है आपको रेट, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाता है 50/100, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो आ जाती है आपकी 1/2। यह सिर्फ आपने मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब अगर आपको क्या दिया हो, 1/3 फैक्टर दिया हो, या फिर वो ये होता है किसका 33.33%। तो जब रेट आपको ये गिवन हो या फिर 1/2 गिवन हो दोस्तों, तब आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इस परसेंटेज को 50 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, और 1/3 की जगह क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 33.33। ऐसे ही आप आगे भी लिख सकते हैं,
जब आपको 25% गिवन हो रेट, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4। नेक्स्ट है हमारी 20%, इसका हो जाता है दोस्तों 1/5। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि 1/4 1/5 कहाँ से आया। जो ये है इसको हम क्या किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, ताकि हमारी परसेंटेज हट जाए और फ्रैक्शन निकल आए। आगे है दोस्तों आपकी फिफ्थ, 20% के बाद आपका आ जाता है 1/6, जब आपकी दी हो 16.66% या फिर 2/3%। तो इसको आप क्या लिख देंगे 1/6। नेक्स्ट है दोस्तों 1/7। अब 1/7 का परसेंटेज क्या लिखी होती है आपकी 14.28% या फिर 2/7। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपकी 1/8। 1/8 कितना होता है आपका 1/2 या 12.5%। ऐसे ही मैं आपको 10 तक बता देता हूँ, जिसके बाद आप आसानी से कोई भी फ्रैक्शन हो या फिर कोई भी परसेंटेज हो तुरंत किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो 1/9 का दोस्तों हो जाता है 11.11%। यदि ये परसेंट हो तो उसका फ्रैक्शन आता है 1/9। उसके बाद है दोस्तों आपका 1/10 यानी 10%। एक आपका 11 का भी चाहे तो नोट कर सकते हैं, जब 11% गिवन हो तब होता है दोस्तों आपका 9.09%, और एक आपका 12%, इसका हो जाता है दोस्तों 8.33 और 1/3%। तो ये आप परसेंटेज दोस्तों चाहे तो नोट कर सकते हैं कि यदि जब आपको इस प्रकार परसेंटेज गिवन हो उसकी जगह आप सीधा फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब इस फ्रैक्शन का क्या मतलब है दोस्तों, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब है जैसे आपको 1/7 गिवन है, तो 7 तो आपका क्या होता है ये प्रिंसिपल, और ये 1 क्या हो जाता है आपका पहले साल का इंटरेस्ट। यानी अगर मेरा प्रिंसिपल है 7, इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर का 1, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना निकल आया 7 था मेरा प्रिंसिपल, अमाउंट निकल आया दोस्तों मेरा 7+1 8। उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये एक और मेथड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का निकल आता है। अब मान लो 1/7 मेरे को ये परसेंटेज गिवन है और 2 साल का मेरे से ब्याज पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपको कल समझाया प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाल लूंगा। 2 साल है तो 2 बार आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 49 और 64। ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये आ गया अमाउंट। इंटरेस्ट निकालना हो तो इन दोनों का डिफरेंस जो कितना आ जाएगा 15 रेशियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए आपको एक दो एग्जांपल देके इसका अच्छे समझा देता हूँ। तो ये था दोस्तों आपका परसेंटेज, तो ये आप याद कर सकते हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल लेट करो हमारा दिया हुआ है 20,000। रेट है दोस्तों मेरी 25%, और टाइम कितना है 2 साल। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस मेथड से मैं कैसे निकालूंगा, क्या बताया मैंने 25%। 25% हमारा किसके इक्वल था 1/4, 25% था दोस्तों 1/4। तो मैंने क्या बताया था, 4 तो है हमारा प्रिंसिपल का रेशियो और 1 क्या है हमारा इंटरेस्ट, हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टाइम है हमारे पास 2 साल, तो 4 प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया फर्स्ट ईयर का 5, और 2 साल है तो 4 से 5, ये आ गया दोस्तों आपका रेशियो किसका, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा समझ आ गया होगा।
अब 16 क्या है दोस्तों आपका प्रिंसिपल, 25 है आपका अमाउंट, हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ से आप रेशियो तो निकाल लेंगे, कितना आ गया 25 में से 16 घटा दो 9:9, यानी 9:9 क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारा 16 प्रिंसिपल किसके इक्वल है 20,000 के, तो 16 को किसके इक्वल पुट कर दूंगा 20,000 के, 1:1 की वैल्यू यहां से आ गई 20,000 अपॉन में 16। हमारे को कितने रेशो की वैल्यू चाहिए, 9:9 की, तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। ₹11,250, ये आपका क्या आ गया दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। अभी इसमें कुछ आपके दोस्तों और चीजें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मैं आपको कल समझा दूंगा, जिसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।